अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर लेक्चर इज़ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिल्कन्स मेथड। ये हम आज ये जो वैल्यू ऑफ चार्ज होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम ऑन द इलेक्ट्रॉन, इसका हम मेथड स्टडी करेंगे। मिल्कन वॉज द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिवाइज अ टेक्निक टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। इन द 1909 आर ए मिल्कन डिवाइज अ टेक्निक दैट रिजल्टेड इन प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसके लिए इसने जो यूज़ किया था, ऑपरेटर्स यूज़ किया था, वो उसकी डिटेल, उसकी स्केच आपके सामने है। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे जो है स्टार्ट करें तो यहाँ पे एस गिवन है। एस इज़ द लाइट ऑफ द सोर्स, ठीक है। हमने मिडल में जो ऑपरेटर्स प्लेस किया हुआ है, इसमें हमने सोर्स ऑफ लाइट जो है वो प्रोवाइड करनी है, लाइट प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए हमें एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए था। उसके बाद एल इज़ शोइंग द लेंस। लेंस का क्या पर्पस है कि लाइट को फोकस करना, लाइट जो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, लाइट को ये फोकस करके एक पॉइंट, मिडल पॉइंट जहाँ पे हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं वहाँ पे लेके आएगा। और उस लाइट को पास होने में, जिस कंटेनर के अंदर ये हमने सारा सिस्टम लगाया हुआ है, एक विंडो रखी गई है ताकि लाइट उसमें से पास हो सके। फिर ये आपके पास ऑपरेटर्स किस पे कंसिस्ट होता है, ये हमारे पास टू कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं, एक को हम पी से रिप्रेजेंट किया हुआ है और दूसरे को पी प्राइम से। ये दोनों मेटालिक प्लेट्स हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, उन दोनों प्लेट्स को हमने एक दूसरे के पैरेलल प्लेस किया हुआ है। जो पहली वाली प्लेट है जिसको हमने पॉजिटिव पी से रिप्रेजेंट किया है और जिसको हमने पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट किया हुआ है, और जो पी प्राइम सेकेंड प्लेट है इसको हमने नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट किया हुआ है। जो पॉजिटिव प्लेट है उसके मिडल में एक होल मौजूद है जो कि ऑरेंज कलर का मिडल में आपको नज़र आ रहा है, एच से रिप्रेजेंट किया हुआ है होल को। फिर हमारे पास ए जो ऊपर वाली साइड पे कॉर्नर पे, राइट साइड पे कॉर्नर पे है ए, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ कॉल्ड द एटोमाइज़र। एटोमाइज़र क्या है, एटोमाइज़र इज़ द स्टोरेज फॉर द ऑयल। इसमें हम ऑयल ड्रॉप मेथड भी इसको हम कहते होते हैं, इसको ऑयल को हम स्प्रे करेंगे, ऑयल को, ड्रॉप्स ऑफ ऑयल को यूज़ किए करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ चार्ज के लिए। तो फिर क्या होगा कि इसमें हमने एटोमाइज़र के आप प्रोवाइड करेगा, दे प्रोवाइड द ऑयल इन द फॉर्म ऑफ द स्प्रे, इन द फॉर्म ऑफ द ड्रॉप जो कि हम इस प्लेट्स के ऊपर थ्रो करेंगे। और एम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम माइक्रोस्कोप, जो इन ऑयल ड्रॉप्स को हम जो है ऑब्ज़र्व करेंगे उसके लिए हम माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे। डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी इज़ द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट, जो दोनों पैरेलल प्लेट्स रखी हैं उनके दरमियान डिफरेंस को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पूरी डायग्राम जो है उसका ओवरव्यू है। अब इसमें जो टेक्निक यूज़ हो रही है इसको हम कैसे करते हैं, इसकी वर्किंग कैसे होती है, कैसे हमारे पास चार्ज स्टोर होते हैं। एन एटोमाइज़र ए इज़ यूज फॉर द ऑयल ड्रॉप्स इनटू द कंटेनर थ्रू अ नोजल। पहले बता चुके हैं एटोमाइज़र का क्या फंक्शन है, इसमें हमने ऑयल को स्टोर किया हुआ है, इसको प्रेशर के साथ जब हम मूव करवाएंगे तो उसके होल में से, इसकी नोजल में से ऑयल बाहर की तरफ आएगा। किस फॉर्म में आएगा, ड्रॉप्स की फॉर्म में आएगा। ये ड्रॉप्स जब बाहर आएंगे तो क्या होंगे, ये चार्ज की फॉर्म में होंगे, ये चार्ज हो चुके होंगे। क्यों चार्ज हो चुके होंगे, क्योंकि जब हम प्रेशर से इसको प्रेस करेंगे तो ऑयल वॉल ऑफ एटोमाइज़र के साथ स्लाइड करेगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, उस फ्रिक्शन की वजह से ऑयल जो होंगे वो चार्ज हो जाएंगे। और ऑयल जो है बहुत ही स्मॉल फॉर्म में जो है, ड्रॉप्स की फॉर्म में, बहुत स्मॉल ड्रॉप्स की फॉर्म में जो है वो रिलीज़ होंगे। अब क्या होगा कि इसमें से कुछ ड्रॉप्स, सम ऑफ द ड्रॉप्स टू पास थ्रू द होल इन द अपर प्लेट, जो अपर प्लेट में होल है उसमें से कुछ ड्रॉप्स जो होंगे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। अब ये जो स्पेस है बिटवीन द प्लेट्स, ऊपर और नीचे वाली प्लेट्स के दरमियान हमने डिस्टेंस रखा था, वो जो हमने लाइट उसी प्लेट के दरमियान, उस प्लेट के ऊपर जो ऑयल के ड्रॉप्स अपर प्लेट से लोअर प्लेट की तरफ जाएंगे, तो उधर हमें क्या चाहिए, लाइट की ज़रूरत है। तो लाइट के लिए हमने वैसे ही सोर्स यूज़ किया हुआ है और उसको लेंस से पास करा के विंडो के ज़रिए हम मिडल वाले पार्ट के ऊपर लाइट जो है वो ड्रॉप करवाएंगे। तो उससे हमें फ़ायदा क्या होगा, इट विल हेल्प टू सी द पाथ ऑफ द मोशन ऑफ दीज ड्रॉप्स
एंड इट कैन बी मोर केयरफुली ऑब्जर्व बाई यूजिंग द माइक्रोस्कोप। ठीक है, जब लाइट उसके ऊपर फॉल होगी तो वो ड्रॉप्स कैसे फॉल हो रहे हैं उनको हम ऑब्ज़र्व कर सकेंगे, और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम कैसे इसको और अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जो हमने माइक्रोस्कोप इसके ऊपर प्लेस की हुई है, अगर उसकी हेल्प से हम उनके पाथ को ऑब्ज़र्व करेंगे। अब आपके पास मैथमेटिकली इसके ऊपर क्या होगा, क्या इफेक्ट हमारे पास होगा। अ गिवन ड्रॉपलेट बिटवीन द टू प्लेट्स कुड बी सस्पेंडेड इन द एयर इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है, जितना उसका वेट है। ये डायग्राम में देखिए ड्रॉप के ऊपर टू फोर्सेस लग रही हैं, एक हमारे पास कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, उसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, एफ ई इक्वल्स टू क्यू। दूसरी ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या है, एम जी, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो क्या होगा, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर एक्ट करेंगी। अब इन दोनों फोर्सेस को हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। कैसे बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि एफ जी तो हमारे इख्तियार में नहीं है, वो तो जितना मैस उस ऑयल ड्रॉप का मैस और ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जो दो पैरल प्लेट्स हमने रखी हैं, एक को पॉजिटिव के साथ एक को नेगेटिव, अगर उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को हम चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स भी चेंज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू को एडजस्ट किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू को इक्वलाइज कर देंगे विद द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय एडजस्टिंग द वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स के दरमियान वोल्टेज को एडजस्ट करके हम ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को इक्वल कर देंगे, जिसकी वजह से हमारे पास इक्वेशन 12.43 आ जाएगी। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है कि एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। एफ ई की वैल्यू क्या होती है, क्यू ई, और एफ जी की वैल्यू एम जी के बराबर होती है। इफ़ वी इज़ द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स फॉर दिस सेटिंग, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला आ जाएगा, ई इक्वल्स टू वी डिवाइड बाई डी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इट्स आ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि वी आपने डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा आर है, तो यहाँ पर डेल्टा वी की बजाय वी और डेल्टा आर की बजाय हमने डी यूज़ किया है। अब ये ई की वैल्यू हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, क्यू ई की में हमारे पास क्यू एज इट इज़ आएगा और ई की बजाय क्या आ जाएगा, वी बाई डी विच इज़ इक्वल्स टू एम जी। यहाँ से हम चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, चार्ज की वैल्यू क्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी राइट साइड पे जाके एम जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वी एम जी से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू के लिए फार्मूला जो बनेगा वो हमारे पास क्यू इक्वल्स टू एम जी डी डिवाइड बाई वी। अब यहाँ पे हम ये वैल्यू एम की, जी की, डी की और वैल्यू पुट करके चार्ज जो ऑयल ड्रॉप्स के ऊपर चार्ज आया था उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जी तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 9.8 है, डी जो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है वो भी कांस्टेंट होगी और वी जो पोटेंशियल डिफरेंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी कांस्टेंट होगा, लेकिन इसमें अननोन क्या चीज़ है, जिस चीज़ को हमने फाइंड आउट करना है वो एम है। एम की वैल्यू अगर हमें मालूम हो जाए तो हम ईजीली चार्ज जो है ड्रॉप्स के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एम की वैल्यू को हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम क्या कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे। स्विच ऑफ मीन कि पोटेंशियल डिफरेंस हम जो है वो ऑफ कर देंगे। तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, पहले जो आपके पास ड्रॉप्स थे दे आर सस्पेंडेड इन द एयर, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो फॉल, जब क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल थी ग्रेविटेशनल फोर्स के और उसने उसको स्टॉप किया हुआ था ऑयल के ड्रॉप्स को फॉल होने से, तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स सब ख़त्म हो गई, तो ऑयल के जो ड्रॉप्स हैं वो क्या करेंगे, दे स्टार्ट फॉलिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जैसे ही दे स्टार्ट फॉलिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन तो क्या होगा, दे विल अटेन अ स्पीड, वो एक यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो अटेन कर लेंगे और उस स्पीड को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल स्पीड कहते हैं। और इस केस में जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में स्टॉक्स ला पड़ा होगा उसको अप्लाई होगा कि जैसे ही ऑयल ड्रॉप पास होंगे
एयर के अंदर मीडियम के अंदर फॉलो कर रहे होते हैं तो एयर उनके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स कहते हैं। तो जब ये ड्रैग फोर्स इक्वल्स टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाती है तो उस वक्त जो स्पीड होती है उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल स्पीड कहते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये कब टर्मिनल स्पीड अटेन होती है, जब हम पास ग्रेविटेशन जो ड्रैग फोर्स होती है, फ्रिक्शनल फोर्स होती है, जो कि जब भी आपके पास कोई पार्टिकल मूव करता है किसी भी मीडियम के अंदर तो जो अपोजिंग फोर्स मीडियम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाता है उसको हम क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स कहते हैं। और इसकी वैल्यू बाय द स्टॉक्स लॉ क्या होती है, 6 pi eta r v। और क्योंकि ये वी एस ड्रैग फोर्स किसकी इक्वल हो गई है, mg के इक्वल हो गई है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, vt के इक्वलेंट। और इसलिए v को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, vt। टी मीन टर्मिनल स्पीड, इट्स अ वेलोसिटी और स्पीड ऑफ अ पार्टिकल व्हेन द ड्रैग फोर्स इज इक्वल्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। और वी कैन से दैट द स्पीड एट विच ड्रैग फोर्स बिकम इक्वल्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट स्पीड इज नोन एज अ टर्मिनल स्पीड। So we get the formula 6 pi eta r v t equals to mg. Now we will put the m by using the formula of density. M is equals to density equals to mass per unit volume. हमने density का जो formula, density को हम rho से represent कर रहे हैं, density का formula होता है mass divided by volume. तो वहाँ से mass किसके बराबर आ जाएगा, volume multiplied by density. अब वॉल्यूम की जगह हमने बी नहीं लिखा क्योंकि हम ऑयल के ड्रॉप्स को किस फॉर्म में, ड्रॉप्स किस फॉर्म में होते हैं, किस फॉर्म में ड्रॉप्स होते हैं, स्फेरिकल फॉर्म में ड्रॉप्स होते हैं। और स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³। इसलिए यहाँ पे वी की बजाय हमने उसकी डायरेक्ट वैल्यू जो है आपकी बुक में लिखी हुई है, 4/3 πr³ मल्टीप्लाई बाय रो। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई थी 6 pi eta r v t equals to mg, यहाँ पे m के जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 4/3 πr³ rho into g, it will become equals to 6 pi eta r v t। अब इसकी हम सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, पाए और पाए दोनों साइडों से कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा, ईटा जो है वो r कैंसिल हो जाएगा राइट साइड से, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर रह जाएगा। 4 और 3 को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे तो 6 के साथ कैंसिलेशन के बाद हमारे पास टर्म क्या बचेगी, 9/2 πv t डिवाइडेड बाय रो इनटू जे। सो बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ आर, जब आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो हम वहाँ से क्या मालूम कर सकते हैं, एम की वैल्यू, क्योंकि 4/3 πr³ इनटू रो है। तो यहाँ पे हमें 12.45 में हमने m फाइंड आउट करना था, लेकिन उसमें हमारे पास प्रॉब्लम क्या था, हमारे पास r की वैल्यू हमें जो है अगर आ जाए तो यहाँ से फिर m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो r की वैल्यू इस फार्मूले से r² = 9 eta v t into 2 rho g से हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इक्वेशन 12.45 में पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी। जब m की वैल्यू हमारे पास आएगी तो 12.44 में हम m की वैल्यू पुट करके चार्ज की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द मिल्कन, मिल्कन मेजर्ड द चार्ज ऑन मैनी ड्रॉप्स एंड फाउंड दैट ईच चार्ज वॉज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। के मिल्कन्स ने डिफरेंट ड्रॉप्स के ऊपर जो है वो वैल्यू फाइंड आउट की और ईच टाइम उसका रिजल्ट क्या था, हमारे पास वैल्यू या तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम आती थी या इसके मल्टीपल आते थे, जैसे 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, 3 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो यहाँ से उसने बेसिक क्या चीज़ कंक्लूड की, ही कंक्लूडेड दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज इज़ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले जो है स्मॉलेस्ट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन था उस वक्त, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन पे वैल्यू क्या आई है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, एंड इट इज़ फाउंड बाई